हाँ जी क्लास, आज हमने कल हमने अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस के बारे में पढ़ लिया था, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बारे में पढ़ लिया था। आज हमने करनी है लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस। ये चैप्टर नंबर कौन सा है मैम? ये चैप्टर नंबर सिलेबस के अकॉर्डिंगली कौन सा है, फोर्थ आई थिंक, थर्ड है, फोर्थ चैप्टर है। ठीक ओके मैम। है, यस, दिस इज फोर्थ चैप्टर। तो लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस में हमने पढ़ना है लॉजिकल ऑपरेशंस के बारे में, कि जो हमारे लॉजिकल ऑपरेशंस हैं वो हमारे डाटा पे किस तरह से काम करते हैं, जो हमारा डाटा रजिस्टर्स या मेमोरी में स्टोर है। तो लॉजिकल ऑपरेशंस आप सबको पता है, एंड, और, एक्सोर, रोटेट, कंपेयर, कॉम्प्लीमेंट, ये सारे हमारे लॉजिकल ऑपरेशंस हैं। सबसे पहले हम एंड और एक्सोर की बात करेंगे। तो हमारा कोई भी 8 बिट डाटा जिसके कंटेंट हमारे रजिस्टर या मेमोरी में है, उस पे हम एड और या एक्सोर के ऑपरेशन का परफॉर्म कर सकते हैं। और किसके साथ करेंगे? एक्यूमुलेटर के साथ। जैसे हमने लास्ट कल किया था अर्थमेटिक में एडिशन है या सब्ट्रैक्शन के टाइम पे, कि जोन से भी हमारे कंटेंट रजिस्टर या मेमोरी में पड़े हैं उसको एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, और रिजल्ट भी हम एक्यूमुलेटर में ही स्टोर करेंगे। सबसे पहले हम लेके चलते हैं एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन का जो सिंबल है, जो हमारा नोटेशन कोड है, ऑप कोड है, दैट इज ANA। जब लिखा है दैट मींस वो एंड गेट की बात हो रही है, और आर और एम, आर मींस रजिस्टर, एम मींस मेमोरी। तो हमने अब एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है रजिस्टर या मेमोरी में जो कंटेंट्स पड़े हैं उसको एक्यूमुलेटर के साथ, और रिजल्ट भी हमने एक्यूमुलेटर में ही स्टोर करना है। तो अगर हम मेमोरी लोकेशन की बात करेंगे, तो मेमोरी लोकेशन में हम पेयर को यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम HL पेयर को ही यूज करेंगे मेमोरी के लिए। और एक हम SZ और P आर मॉडिफाइड टू रिफ्लेक्ट द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन, ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या है। CY इज रीसेट एंड AC इज सेट। ये फ्लैग्स की बात करी गई है। साइन, जो हमारे फ्लैग्स होते हैं 5 तरह के होते हैं, साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, कैरी फ्लैग एंड ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। साइन फ्लैग मतलब पॉजिटिव साइन है कि नेगेटिव साइन है। जेड फ्लैग मतलब जीरो फ्लैग, मतलब अगर आपका रिजल्ट जीरो है तो ये एक्टिवेट होगा, नहीं तो ये ऑफ रहेगा। पी मीन्स पैरिटी फ्लैग, इवन पैरिटी है या ऑड पैरिटी है। ये हम सारे जो फ्लैग्स हैं इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको फ्लैग्स का मैं बता दूंगी कि जो कैरी फ्लैग, अगर कैरी है तो सिर्फ ये फ्लैग एक्टिवेट होगा। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ANAB, ANAM मतलब एंड करना है हमने रजिस्टर और मेमोरी के कंटेंट्स को। अब सबसे ऊपर देखो ANB, ANAB हमारी इंस्ट्रक्शंस है, मतलब बी रजिस्टर के जो कंटेंट्स हैं उसको एक्यूमुलेटर के साथ एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर दो उनपे, और रिजल्ट को भी एक्यूमुलेटर में स्टोर कर दो। एग्जाम्पल देखो, ए में है हमारा AA और बी में है OF। ठीक है, अब AA क्या होता है? ए मीन्स 1010, ए होता है 9 के बाद आता है ना ए, हेक्साडेसिमल की जब बात करते हैं, तो ए का मतलब 1010। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1010, 1010 AA हो गया, और OF क्या है? 0F, 0F क्या है? 0000011111। अब इन दोनों को हमने एंड करना है। एंड ऑपरेशन में क्या होता है, 01 क्या बनाता है? 0 और 1 को जब एड करते हो रिजल्ट क्या आता है बेटा? गिव मी आंसर। वन 1 आता है। वन मैम। एंड क्या होता है? एंड में मैम मल्टीप्लिकेशन जीरो होता है इसमें एंड जीरो आएगा, मल्टीप्लाई मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई होना। होता है होता है एंड में, और में ऐड होता है। अच्छा सो 10 इज यस जीरो, यस अगेन 1 1 इज 1, 1 0 इज 0, 1 1 इज 1, अगेन 0 0 जा 0, 0 1 को 0,
जीरो 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 वन को एड करेंगे तो जीरो, तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया, जीरो ए एच, जीरो ए इज द रिजल्ट, तो वो रिजल्ट किसमें स्टोर हो गया, एक्युमुलेटर में। अब हम सिमिलरली एंड ऑपरेशन करेंगे एचएल के कंटेंट्स को, तो यहाँ पे ए एन ए एम लिखा है हमने, मतलब एचएल के जो भी कंटेंट है उसको हमने एंड कर देना है ए के साथ, एक्युमुलेटर के कंटेंट के साथ। एक्युमुलेटर में है 55, एचएल में है 2050, ठीक है। 2050 लोकेशन पे क्या है हमारी, B3, दैट मीन्स B3 और 55 को हमने ऐड करना है। 55 क्या होता है, 01015 01015, बी होता है 1011, 3 होता है 0011, इन दोनों को ऐड करो, रिजल्ट विल बी 11H, 11H हमारे एक्युमुलेटर में स्टोर हो गया, ठीक है। कोई इसमें प्रॉब्लम, कोई डाउट? नेक्स्ट आता है ANI, मतलब एंड इमीडिएटली। अब मैंने बताया था आपको पहले भी, जब आई पीछे आ जाता है वो 8-bit डाटा हो जाता है, हमारा डायरेक्टली 8-bit डाटा दिया होगा। इसमें क्या है एग्जांपल देखो, ANI 35H, सॉरी 3FH, 3FH को हमने, हाँ जी, 3F के डाटा को हमने एक्युमुलेटर के डाटा के साथ एंड कर देना है। एक्युमुलेटर में है B3, तो B3 को 3F के साथ एंड करो। B3 क्या होता है, 1011 0011, 3F है 0011, F क्या होता है 11111, इनको जब हम एंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 33, और 33 किसमें स्टोर हो गया, एक्युमुलेटर। क्लियर है? नेक्स्ट इज नैन्सी, कोई डाउट है आपको? नेक्स्ट इज, हाँ जी अनेक, मैं वो पीछे जैसे 00011 वो बी और एफ कैसे आया उसके साथ, ये जैसे 01100011 ये बी और थ्री कैसे आया साथ में, बी थ्री पहले से एक्युमुलेटर में है, यहाँ एक्युमुलेटर में B3 है, तो ये B3 आ गया यहाँ से। एक्युमुलेटर के कंटेंट को किसके साथ ऐड करना है, जो हमें इस इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है 3F, तो ये 3F जो है वो यहाँ से आया, ठीक है हमने। ओके मैम, नेक्स्ट इज और इंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। और में ORA हमारा ऑपकोड होता है, और रजिस्टर या मेमोरी में ही उसको, सेम हमने जैसे एंड ऑपरेशन किया था। अब यहाँ पे क्या इंस्ट्रक्शन है, ORAB, मतलब रजिस्टर बी के कंटेंट्स को एक्युमुलेटर के कंटेंट के साथ और कर दो। तो हमारे पास एक्युमुलेटर में क्या है, AA, और बी रजिस्टर में क्या है, 12, तो 12 और AA को आपस में और करना है। A होता है 1010 1010, 12 इज 0001 0010, अब इनको और करना है, और का मतलब एडिशन होती है, 00011 को ऐड करते हैं तो क्या होता है, 1100 को 0010 इज 1, अगेन इस तरह से ऑपरेशन परफॉर्म करके हमारा रिजल्ट आ जाएगा BA, तो BA किसमें स्टोर हो गया, एक्युमुलेटर, ठीक है। ओके, ऑक्सिलरी कैरी क्या होता है, ऑक्सिलरी कैरी का मतलब होता है अगर आपके फोर्थ बिट के बाद कोई कैरी जनरेट होता है तो वो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग को वन कर देता है। जैसे ये 1 2 3 4, फोर्थ बिट के बाद कोई कैरी अगर आ रहा है, यहाँ कैरी आ रहा है देखो 000, तो कैरी नहीं ना आया, तो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग में हमारा स्टेटस क्या है, 0। जब यहाँ पे फोर्थ बिट के बाद 1 आएगा कैरी में, तो हमारी ऑक्सिलरी कैरी 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे है ORAM, मतलब हमने मेमोरी के कंटेंट्स को एक्युमुलेटर के कंटेंट के साथ और करना है। एक्युमुलेटर में है 55 और HL, मेमोरी 2050 लोकेशन पे क्या है, B3,
दैट मीन्स 55 और B3 को आपस में और कर दो. जब इन पे आप और ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो रिजल्ट आएगा F7. F7 एक्युमुलेटर में स्टोर हो गया. ORI और करना है इमीडिएटली. तो 8 बिट डाटा दिया हुआ है, ये 8 बिट डाटा के डाटा को हमने एक्युमुलेटर के कंटेंट के साथ और कर देना. एग्जांपल देखो, ORI 08 को हमने और करना है एक्युमुलेटर के कंटेंट के साथ. एक्युमुलेटर में है B3, तो B3 और 08 को आपस में और कर दो. इन पे और ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा BB, उसको एक्युमुलेटर में स्टोर कर दो. क्लास क्लियर हो रहा है साथ साथ? कोई डाउट तो नहीं है? नो मैम. नेक्स्ट इज XRA, मतलब XOR करना है रजिस्टर और मेमोरी के कंटेंट्स को एक्युमुलेटर के कंटेंट के साथ. तो अब एक्युमुलेटर में क्या है? AA, और रजिस्टर में क्या है? 2D, क्योंकि यहाँ पे XOR A C लिखा है. तो C रजिस्टर के जो कंटेंट है उसको एक्युमुलेटर के कंटेंट के साथ XOR करना है. एक्युमुलेटर में AA है और C में क्या है? 2D. तो क्या आ जाएगा? 1010 1010, 2D में 0010 1101. XOR जब करते हैं तो कब हाई और कब लो होता है नैन्सी? मैम ये जितने जीरो वाले केस में तो मान लोगा क्योंकि नहीं क्या होता है? एक मिनट मैम, मैं आपको दस देता. सॉरी मैम, एक मिनट मैम. जसप्रीत, एक्सोर कैसे परफॉर्म होता है बेटा? एक्सोर में कब हाई और कब मैम? एक्सोर मैम, एक्सोर जब मैम 000 आना मैम, जो 01 होता है तो 1 होता है. हाँ, एक मिनट, जसप्रीत बता रहे हैं. आगे जसप्रीत, 10 पे मैम, 10 मैम, 10 तो भी 1 होना है, जो तो 11 से 00 होना, तो 90 होने हैं. हाँ, गुड. तो जब एक भी 1 है तो हमारा बिट जो है वो हाई होता है. ठीक है, तो 01 1 10 1 01 1. अब 11 सेम बिट आ गई तो आंसर इज 0. अगेन सेम बिट 0 1 1 0 00 0. अब 10 में 1, तो ये XOR परफॉर्म किया और रिजल्ट आ गया 87. 87 हमने एक्युमुलेटर में स्टोर कर दिया. नेक्स्ट इज XOR. हमने मेमोरी के कंटेंट्स को एक्युमुलेटर के कंटेंट के साथ XOR करना है. एक्युमुलेटर में 55 है, मेमोरी में B3 है. तो 55 और B3 को जब XOR करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा E6, और E6 हमारे एक्युमुलेटर में स्टोर हो गया. ठीक है, XOR I means XOR immediately. 8 bit के जो डाटा है, जब भी I लिखा होगा तो उसके साथ 8 bit डाटा जरूर दिया होगा. तो 8 bit के डाटा को एक्युमुलेटर के डाटा के साथ हमने XOR कर देना है. XOR I 39H, तो 39H को हमने 39 को किसके साथ XOR करना है? एक्युमुलेटर के कंटेंट के साथ. एक्युमुलेटर में B3 है, डाटा हमें 39 दिया हुआ है, तो B3 और 39 को XOR कर दो. रिजल्ट आ जाएगा 8A. तो एक्युमुलेटर में 8A स्टोर हो गया. नेक्स्ट हमने अब कंपेयर. हमारा लेक्चर कितने बजे तक होता है? 40 तक कि 50 तक? 40 तक मैम. मैम 40 मिनट्स का होता है. 40 तक, ओके. तो हम ये जो कंपैरिजन वाली है ये फटाफट कर लेते हैं. ओके, कंपेयर में क्या होता है? कोई भी 8 बिट डाटा को हमने रजिस्टर या मेमोरी के कंटेंट्स के साथ कंपेयर करना है. कंपैरिजन में हमने क्या क्या देखना है कि ग्रेटर देन है या लेस देन है या इक्वल है. एक्युमुलेटर के कंटेंट को हम कंपेयर करेंगे रजिस्टर या मेमोरी के कंटेंट के साथ, और जो रिजल्ट है वो हमारा स्टेटस फ्लैग पे आएगा. एग्जाम्पल, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज CMPRM, मतलब कंपेयर करो रजिस्टर के कंटेंट को एक्युमुलेटर के कंटेंट के साथ. तो यहाँ पे लिखा है CMPD, मतलब कंपेयर करना है हमने डी रजिस्टर के कंटेंट को. ठीक है, डी रजिस्टर के कंटेंट को एक्युमुलेटर के कंटेंट के साथ कंपेयर करना है. तो एक्युमुलेटर में है 10,
और रजिस्टर डी में है 20, तो 20 और 10 को कंपेयर करो। सबसे पहले हम तीनों ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ग्रेटर देन, लेस देन और इज इक्वल टू। जब तो ग्रेटर देन हुआ है, कम्युलेटर के कंटेंट इज ग्रेटर देन रजिस्टर, यस और नो? कम्युलेटर के कंटेंट 10 इज ग्रेटर देन 20? नो मैम, तो कैरी फ्लैग हमारा जीरो आ गया। नाउ ए इज इक्वल टू आर, मतलब 10 इज इक्वल टू 20? नो, तो जीरो फ्लैग वन हो गया, मतलब ये भी हमारा फॉल्स हो गई स्टेटमेंट। 10 इज लेस देन 20, ट्रू और फॉल्स? यस ट्रू, तो हमारा 10 फ्लैग वन हो जाएगा। अब इसमें हमारा रिजल्ट कैसे आएगा, फ्लैग में सी वाई फ्लैग जो है वो वन हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे सी वाई फ्लैग को वन किया, क्योंकि 10 इज लेस देन 20, तो कैरी फ्लैग वन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज सी एम पी एम, मतलब कंपेयर करो मेमोरी के कंटेंट्स को अकॉमुलेटर के कंटेंट के साथ। मेमोरी में है बी एट, अकॉमुलेटर में भी है बी एट, सो बी एट इज इक्वल टू बी एट, यानी जीरो फ्लैग जो है वो वन हो गया। यहाँ पे जीरो फ्लैग जीरो आना है, यहाँ ऊपर गलत लिखा हुआ है, यहाँ जीरो फ्लैग जीरो आना है। तो जब ये वाली स्टेटमेंट वन होगी, दैट मीन जीरो फ्लैग इज इक्वल टू वन, तो यहाँ पे हमारा जीरो फ्लैग क्या आ जाएगा, वन। क्लियर? तो मैम ऐसे इसमें नीचे वाला भी गलत दिया हुआ था ना, अकुमुलेटर ग्रेटर देन मेमोरी, कहाँ लिखा है? ये नीचे मैम, जहाँ पे जीरो फ्लैग हमारा वन है मेमोरी वाले में, यहाँ पे भी जीरो आएगा, जीरो आएगा फिर, क्योंकि है तो इक्वली। हाँ, यहाँ गलत दिया हुआ है, यहाँ जीरो भी, यहाँ सी वाई भी जीरो आएगा। ठीक है मैम। नेक्स्ट इज कंपेयर इमीडिएटली, ये इमीडिएटली एडमिट का जो डाटा है उसको हमने कम्युलेटर कंटेंट के साथ कंपेयर करना है। हमें क्या दिया हुआ है, 30, 30 को कंपेयर करना है अकॉमुलेटर के कंटेंट के साथ। अकॉमुलेटर में क्या है, बी ए। अब बी ए जो है वो 30 से बड़ा है या छोटा है, ये हम कैसे देखेंगे? बी ए क्या होता है, बी क्या होता है, नंबर लिखो उसका, ए और बी का, और 30 का लिखो। जब कंपैरिजन करके इसको एलैबोरेट करके देखना, जब कंपेयर करोगे तो हमारा जो, अब ये तो कंपेयर हमें साफ पता लग रहा है कि जो ए और एक्युमुलेटर के और जो 30 का कंटेंट है वो आपस में सेम नहीं है, दैट मीन्स इज इक्वल टू तो नहीं है। ठीक है, तो इसको कंपेयर करके देखना, और मुझे ये आपका होमवर्क है, मुझे नेक्स्ट लेक्चर में आपने बताना है कि ये लेस देन है या ग्रेटर देन है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर आज लोगे कल लोगे? नहीं, नेक्स्ट क्लास कल, जब भी आपका लेक्चर होगा कल, तब की बात कर रही हूं। मैं कोशिश करूंगी ये कंपैरिजन वाला आपको अलग से भी एक स्लाइड बना के दिखाऊं, ताकि आपको और क्लियर हो जाए, क्योंकि आपको स्टेटस फ्लैग्स का भी आई थिंक कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो जब स्टेटस फ्लैग हम करेंगे, आपको मैं दोबारा से कंपैरिजन वाली करा दूंगी। बाकी जो होमवर्क है उसको करके रखना, हम कल बात करेंगे इसके बारे में। अभी कोई डाउट है बेटा, जल्दी बताओ बेटा, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होनी है, कोई डाउट है? नो मैम, फ्लैग के बारे में बताया था ना जी स्टार्टिंग में, वो बता दो माना। फ्लैग में आपको दोबारा से कराऊंगी, स्टेटस फ्लैग वाला टॉपिक दोबारा करेंगे हम, मैं लैबोरेशन में समझाऊंगी आपको अलग स्लाइड से। इसके अलावा कोई डाउट है? कंपैरिजन वाला छोड़ दो अभी, कंपैरिजन के अलावा कोई डाउट है? एनीबॉडी? गुरचरण मैम, स्लाइड सेंड कर दियो। नो मैम, मैम ठीक है, सेम है, मैंने आपको पता लग जाएगा था ना परसों भी, ठीक है, लिंक ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट वही वाली स्लाइड्स है। ओके मैम, हाँ जी, और कौन बोल रहा है? सहज,
सहज क्या बोल रहे हो? मैं तो कुछ बोला भी नहीं। कौशिक कुछ बोल रहे थे? नहीं मैम। ओके, किसी को कोई डाउट नहीं है बेटा? नहीं। क्लासेस रेगुलर हो जाओ, ठीक है, ये ना हो बाद में आपको प्रॉब्लम आए। नैन्सी अटेंडेंस भेज देना। ओके मैम। ओके बेटा, टेक केयर, बाय मैम।